वेलकम टू ए बी सी कैंपस आज हमारे पास आई एफ आर एस सिक्सटीन लीजिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी क्यूरीज आती हैं जिसमें सिमिलर नेचर की चीज़ें पूछी हुई होती हैं और अमूमन ये किसी एक क्वेश्चन को स्पेसिफिक करके पूछा हुआ होता है फिर एक क्वेश्चन में पूछते हैं स्टूडेंट फिर सेकेंड में फिर थर्ड में फिर फोर्थ में तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट इस वजह से हम ये समझते हैं कि ये देना बहुत ज़रूरी है कि आप ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेकर आएँ क्वेश्चन ये होता है कि विच इंटरेस्ट रेट शुड बी यूज इन लीज़ कैलकुलेशन When there आर मोर देन वन रेट्स गिवन इन अ क्वेश्चन अच्छा अब वैसे तो हमें ओवरऑल अगर हम इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट को भी जो हम पढ़ते हैं उनको अप्लाई करते जाएँ अपने लेक्चर से तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है लेकिन ये कि ऑब्वियसली स्टूडेंट ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते हो और जहाँ पर एक सिंगल रेट गिवन होता है वहाँ पर तो उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती सिंपली वो उस रेट की बेस पर कैल्कुलेशन करते जाते हैं और फिर ऐसे क्वेश्चंस जहां पर एक से ज़्यादा रेट गिवन होते हैं बाजूकत मार्केट रेट ऑफ़ इंटरेस्ट भी गिवन होता है इम्प्लीसिट रेट इन द लीज भी गिवन होता है तो उनमें से कौन सा रेट यूज़ करना चाहिए उसमें वो फिर थोड़े कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं ख़ासतौर पर सगाई आटोज लिमिटेड का एक पास एग्जाम क्वेश्चन है उसमें ये अमूमन क्यूरीज की जा रही होती हैं एफ के अंदर तो अब इस पर हम एक ओवरऑल समरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसको तमाम थ्रू आउट आप एफ़ आई आर टू के सिलेबस पर अप्लाई कर सकते हैं पहली बात तो ये कि आप किस टाइप की कैलकुलेशन कर रहे हैं उस हिसाब से रेट का फैसला होगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं रेंटल की अनगारंटिड रेजिडल वैल्यू की गारंटिड रेजिडल वैल्यू की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की लेसर के इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की तो आप इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट इन द लीज को यूज़ करेंगे और इवन जो है वो चाहे आप अकाउंटिंग आगे जाके लेसी की करनी है लेसर की करनी है और डीलर लेसर की करनी है अगर आप रेंटल फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप इक्वेशन बेसिकली जो यूज करते हैं वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट इन द लीज की ही डेफिनेशन होती है और इसकी डेफिनेशन क्या है इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट इन द लीज की रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट काजेज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एंड अनगारंटेडल वैल्यू टू इक्वल द सम ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट एंड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द लेसर तो हम एक्जैक्टली exactly जो ये डेफिनेशन है जिससे हम लीज पेमेंट्स अनगारंटेड रेजुअल वैल्यू पेयर वैल्यू ऑफ एसेट या इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेसर को मैच करते हैं वो रेट ही इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज होता है तो इसी को यूज़ करना चाहिए तो ये तो जहां पर भी आप देखेंगे कि रेंट मिसिंग फिगर के, के तौर पे कैलकुलेट हो रहा है अनगारंटेड रेजुल वैल्यू कैलकुलेट रही है तो इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज यूज़ होगा इसके बाद अगर लेसी की अकाउंटिंग कर रहे हैं और इम्प्लीसिट रेट मालूम है तो वो इम्प्लिसिट रेट यूज करना चाहिए लेकिन अगर लेसी की काउंटिंग कर रहे हैं और इम्प्लीसिट रेट मालूम नहीं है अननोन है लेसी को तो फिर वो लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज होगा अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं लेसर के लिए और यहां पर हमने वर्ड नॉर्मल लेसर यूज किया जिसका मतलब बेसिकली है कि वो मैनुफैक्चर और डीलर लेसर नहीं है तो तब भी आपने हमेशा इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट इन द लीज ही यूज़ करना है लेकिन जहां पर आप मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर की बात कर रहे हैं तो एक कंडीशन यह कि बात किसकी हो रही है अकाउंटिंग आप कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर की और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन फेयर वैल्यू लोअर है अब क्योंकि मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर में हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए आई एफ आर एस सिक्सटीन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होता है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर है तो रेवेन्यू भी इसी रेट पर यूज हो रहा होगा इसलिए रेट भी हम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज करेंगे लेकिन अगर हम अकाउंटिंग फॉर मैनुफेक्चर डीलर लेसर कर रहे हैं और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट यूजिंग मार्केट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर आ जाती है तो हम रेवेन्यू फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे इसका मतलब है कि हम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली फिगर को यूज नहीं कर रहे होंगे तो फिर हम इंटरेस्ट रेट भी मार्केट रेट वाला नहीं लेंगे बल्कि हम इंटरेस्ट रेट इंप्लीसेट इन द लीज लेंगे अब ये टोटल सिक्स पॉइंट्स बन जाते हैं लेकिन इसमें देखें याद रखने का आसान तरीका ये है कि सिर्फ दो एक्सेप्शन हैं वरना हमेशा आपने इंटरेस्ट रेट इंप्लीसेट इन द लीज यूज करना है और वो दो एक्सेप्शन कौन सी हैं कि अगर लेसी की अकाउंटिंग कर रहे हैं और इम्प्लीसिट रेट लेसी को नोन नहीं है तो आपने लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करना है और जहां पे आप मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर की अकाउंटिंग कर रहे हैं और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो कैलकुलेट आप करते हैं वो फेयर वैल्यू से लोअर आ जाती है कम आ जाती हैं तो फिर आपने मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करना है अकाउंटिंग में अदरवाइज हर जगह पर आपका इंटरेस्ट रेट इंप्लीसिट इन द लीज यूज होगा इसमें खास तौर पर देखें एक आध क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें रेंट मिसिंग है और फिर ये फिफ्थ वाली सिचुएशन अप्लाई हो रही है तो रेंट कैलकुलेट करने के लिए वंस अगेन इंटरेस्ट रेट इंप्लीसिट इन द यूज होगा और अकाउंटिंग जब करेंगे तो वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से होगी सो तो ये जो पहला पॉइंट है ये कैलकुलेशन से रिलेटेड और अगले सारे पॉइंट अकाउंटिंग से रिलेट रिलेटेड अकाउंटिंग करने के लिए जो आप फिगर फाइंड आउट करते हैं फॉर एग्जाम्पल लेसर के लिए आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालते हैं या लेसर के लिए आप नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज निकालते हैं तो वो आपने कैसे निकालनी है मिसिंग फिगर के लिए तो इंटरेस्ट रेट इंप्लीसेट इन द लीज ही है वो तो क्लियर बात है तो ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे ये टोटल सिक्स पॉसिबल सिनेरियो हैं इस टोटल कॉन्टेक्स्ट में इनको ध्यान में रखें और बाकी सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटरेस्ट रेट इंप्लीसेट इन द लीज यूज करना है विद टू एक्सेप्शन One and two. That's all for today. Have a good day.